साल 1933, एक आम दिन बच्चे अपने गार्डन में खेल रहे थे। अचानक उन्हें जमीन के नीचे अजीब चीज मिली। उन्होंने इसे अपने टाउन के डॉक्टर पार्कर को ये चीज दिखाई। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वो एक इंसान का स्केलेटन था जिसकी हाइट 8 फीट थी। डॉक्टर पार्कर ने वो स्केलेटन निकालकर स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूट को भेज दिया, जिससे रिसर्च कर आर्कियोलॉजी के इतिहास में नए पन्ने जोड़े जा सके। मगर बाद में इंस्टीट्यूट के लोगों ने पार्कर को बताया कि उन्हें उनका भेजा पार्सल ही नहीं मिला। वो जायंट स्केलेटन बीच में कहीं गायब हो गया था। सुनने में ये कोई मनगढ़ंत कहानी लग रही होगी, मगर जरा इस मैप को देखिए। इसमें उन जगहों को दिखाया गया है जहाँ पिछले 200 सालों में जायंट स्केलेटन मिले हैं। और यह सिर्फ अकेले अमेरिका की बात हो रही है। ऐसी चीजें लोगों के सामने बहुत कम दिखाई जाती है। कि ये सिर्फ मैं अकेला हूँ या कोई और भी है जिसे लगता है कि हम इंसानों के पहले पृथ्वी पर विशाल इंसान रहते थे? अगर थे तो क्या ये किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आए थे? इस वीडियो के जरिए हम समझेंगे कि क्या जायंट्स पृथ्वी पर रह रहे थे और वो कहाँ से आए होंगे। आर्कियोलॉजिकल खोज ने इस बात पर हमेशा ही सवाल उठाए हैं। ऐसा ही एक किस्सा बताता हूँ, जब दूसरे देशों के साथ पुर्तगाली जहाज भी दुनिया की नई नई जगह खोजने को निकल पड़े। पुर्तगाली कैप्टन फर्जन मैगलिन ने अपनी लॉग बुक में अनूठा केस रिकॉर्ड किया। अर्जेंटीना में समुद्र तट के पास उन्हें बहुत बड़े इंसान दिखाई दिए। उन्हें देखकर वो जरा घबरा गए, पर जब नजदीकियां बढ़ी तब पाया कि वो और उनके नेटिव आदिवासी बहुत फ्रेंडली थे। मैगलिन ने उन्हें नाम दिया पेटागॉन्स। वो दो जायंट्स को यूरोप भी ले जाने वाले थे, पर कुछ दिन बाद मिस्टीरियस तरीके से उन जायंट्स की मौत हो गई। इसके 100 साल बाद डच मर्चेंट जेकॉब लेमर और विलियम शिल्टर ने कुछ कब्र की खोज की, जिसमें उन्हें 11 फुट लंबे इंसान के कंकाल मिले। आज हमें कोई भी इंसान इतना बड़ा नहीं दिखता। कुर्दिश फार्मर सुल्तान की हाइट 8 फीट 28 इंच रिकॉर्ड की गई, जिसके पास दुनिया का सबसे बड़ा इंसान होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है। पर उनके इतने लंबे होने का कारण कुछ और है, जिसे कहते हैं एक्रोमेगली। इसमें दिमाग के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड में ग्रोथ हार्मोन का इम्बेलेंस हो जाता है, जिस वजह से न सिर्फ उनकी हाइट बढ़ती है बल्कि उनके स्कल की थिकनेस भी बढ़ती है, और हाथ और पैरों के पंजे सामान्य से लंबे होते हैं। मगर इसकी भी एक लिमिट है, और इसमें हाइट इतनी भी नहीं बढ़ती जितनी अर्जेंटीना में कंकाल पाए गए थे। 1972 में सार्डिनिया में रहने वाले दो बच्चों ने ऐसी जगह खोज निकाली जहां विशाल इंसानों की मम्मी रखी थी, जिनकी हाइट थी 12 फीट। इसे उन्होंने राइटर लुइजी मुस्कास को बताया, जिस पर 2008 में उन्होंने बुक पब्लिश की। मगर खुद गांव वालों ने इसे कहानी बताकर झूठा करार दिया। उन दो लड़कों को भी गवर्नमेंट की तरफ से परेशानियां झेलनी पड़ी। हम नहीं जानते कि जायंट्स असल में थे या नहीं, मगर क्या गवर्नमेंट इसे राज रखने के लिए कुछ भी करने को तैयार है? अगर हम मान भी ले कि पुराने जमाने में विशाल इंसान रहते थे, तो क्या हम इंसानों के पूर्वज ही वो विशाल इंसान थे? चीन में खुदाई के दौरान आर्कियोलॉजिस्ट को लोंगशेंग कल्चर के अवशेष मिले, जो कि 400 साल पुराने थे। उसमें एक स्केलेटन मिला जिसकी हाइट सामान्य से ज्यादा, मतलब 6 फुट 3 इंच थी। मगर शॉकिंग बात ये थी कि आर्कियोलॉजिस्ट को यकीन था कि स्केलेटन किसी टीनेजर का है, और इसके बॉडी में एक्रोमेगली या किसी बीमारी के संकेत नहीं दिख रहे थे। ऐसे स्केलेटन सिर्फ चीन में ही नहीं पाए गए। साल 1774 वेस्ट वर्जीनिया में जैक नाम के इंसान को चीट नदी के पास एक हड्डी मिली। जैक को समझ में आ गया कि ये हड्डी किसी विशाल जानवर की हो सकती है। बाद में उन्हें पूरा कंकाल मिला, और वो इंसान का था। उस कंकाल की हाइट 8 फुट थी, और खोजने पर उन्हें ऐसे और कंकाल मिले। शायद उन्हें विशाल लोगों का कबीला मिला था जो किसी जमाने में वहां रहते थे। ये खोज किसी गिनेश चुने न्यूज़पेपर में ही छापी गई। आर्कियोलॉजिस्ट ने इसे लोगों के सामने आने ही नहीं दिया। वो खोज शायद किसी रिसर्च इंस्टीट्यूट के बेसमेंट में पड़ी होगी। 1932 दो आदमी डेथ वैली में सोने की खोज कर रहे थे। उन्हें एक टनल दिखी, वो अंदर गए, पर 32 किलोमीटर अंदर जाने के बाद उन्हें बड़ी कब्रिस्तान जैसी जगह दिखी। वहाँ परफेक्टली प्रिजर्व मम्मीफाइड ह्यूमन बॉडीज रखी थी। आसपास था बहुत सारा सोना। उन्होंने थोड़ा सोना निकाला और सबूत के तौर पर साथ ले गए। बाद में उनके साथियों ने उन्हें गुफा का मुहाना दिखाने को कहा, तो उन्हें वहाँ कुछ नहीं मिला, जिसे रहस्यमय तरीके से लैंडस्केप में चेंज हो गया हो। बाद में वो दो लोग अकेली गुफा खोजने को निकल पड़े, पर वापस कभी नहीं आए। 1947, 15 साल बाद आर्कियोलॉजिस्ट ने डेथ वैली के अंदर एक्सीडेंटली एक टनल की खोज की। डॉक्टर ब्रूस रसल और डॉक्टर डेनियल बोबी को गुफा के अंदर एक कॉम्प्लेक्स टनल नेटवर्क मिला, और इसके साथ ही उन्हें 3 विशाल 8-9 फुट के इंसानों की मम्मी मिली। उन्होंने अननोन फैब्रिक के जैकेट्स और ट्राउजर पहने थे। उनके आसपास अजीब राइटिंग वाले आर्टिफैक्ट्स भी मिले, मगर इसके साथ ही डायनासोर और अनेक विलुप्त हुए जानवरों की हड्डियां भी मिली। इन जानवरों में और इंसानों में कई लाखों सालों का गैप था, तो कैसे उनकी हड्डियां उस गुफा में मिली होगी? इस घटना के बाद फिर से उन्होंने उस गुफा को खोजना चाहा, पर उन्हें भी वो गुफा कहीं नहीं मिली।
दोनों साइंटिस्ट गायब हुए और उनकी गाड़ी रेगिस्तान में कई अलग तलग पड़ी मिली। आज हम मान भी ले कि जायंट्स होमो सेपियंस से बनी इंसानी प्रजाति होगी, तो इससे एक सवाल आता है कि क्या वो हमारे पूर्वजों को ऐसे ट्रीट करते होंगे जिसे आज हम हमारे पालतू जानवरों को करते हैं। अनेकों दंतकथाओं में ऐसा उल्लेख मिलता है कि विशाल इंसान सामान्य इंसानों की बस्ती पर हमला कर देते थे, उनके जानवरों को ले जाते थे और लोगों को मार डालते थे। पयुत्स आदिवासी जनजाति के लोगों की दंत कथाओं में कहा जाता है, पहले विशाल इंसानों की पूरी सेना थी। वो गांवों कबीलों पर हमला करते, उनके घोड़ों तक को मार डालते। सब कबीले के लोग उनसे परेशान हो गए और सब ने मिलकर उनके खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। इसमें इंसानों की जीत हुई और बचे हुए जायंट्स जमीन के अंदर गुफा में रहने लगे। आज 21st सेंचुरी में हम ऐसी गुफाओं की खोज करते हैं जहाँ विशाल इंसानों की हड्डियाँ मिले, तो इस बात को पुष्टि मिलती है कि सच में पृथ्वी पर जायंट्स रहते होंगे। मैक्सिकन ट्राइब्स मतलब एस्टेक लोग मानते थे कि तियोतिहुआकान का पिरामिड और ग्रेट पिरामिड ऑफ चोलुला हमारे जैसे दिखने वाले 14 फुट के लोगों ने बनवाया था, जिसका वजन शायद 300 किलो होगा। सुनने में तो ये एकदम सॉलिड लगता है, पर आर्कियोलॉजिस्ट की माने तो ये रहस्य ही है कि उन पिरामिड को किसने बनवाया था। तो क्या इसे ये पता चलता है कि जायंट सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी रखते होंगे? चलिए एक स्पेनिश रिकॉर्ड देखते हैं जिसे कहते हैं कोडेक्स डी लॉस रियोस। इस बुक में अनेकों ऐसी बातें लिखी है जो जायंट्स की तरफ इशारा कर दिया है, मगर अचानक से चर्च को इसमें प्रॉब्लम होने लगी और ये आज वेटिकन सिटी के किसी लाइब्रेरी में दफन है। इस मामूली किताब से चर्च को क्या प्रॉब्लम हो सकती है? क्या इसमें जायंट्स और क्रिश्चियनिटी का कोई कनेक्शन तो नहीं, क्योंकि बाइबल में ऐसे ही चीजों का जिक्र आता है। पूरी दुनिया में बहुत बड़े फुटप्रिंट भी मिलते हैं, मगर आर्कियोलॉजिस्ट ये बात नहीं बता पाते कि ये डायनासोर के प्रिंट है या किसी जाइगेंटिक एनिमल्स के। 1995 में मिला फुटप्रिंट इंसानों से बहुत अलग लग रहा था। 120 सेंटीमीटर का ये फुटप्रिंट दर्शाता है कि ये इंसान आज के इंसानों से 3 गुना ज्यादा बड़ा था। मोस्ट अमेजिंग थिंग ये है कि इन पैरों के निशान सॉलिड ग्रेनाइट के पत्थर पर इंप्रिंट है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब पत्थर का टेम्परेचर 800 डिग्री सेल्सियस हो। कोई भी जिंदा जीव ऐसा नहीं कर सकता, तो इस चीज को नेचुरल फॉर्मेशन बताकर टॉपिक क्लोज किया गया। इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि जायंट्स सुपर ह्यूमन एबिलिटीज भी रखते होंगे। वो न सिर्फ जमीन पर बल्कि पिघले लावा पर भी चल सकते थे। साल 2013, झारखंड राज्य के जियोलॉजिस्ट नीतीश प्रियदर्शनी ने पत्थरों पर पैरों के निशान ढूंढ निकाले जो सामान्य से काफी बड़े थे, मगर इंटरेस्टिंग थिंग उसके बाजू में पड़ा पत्थर था जिसके ऊपर लिखा था कि ये स्वर्ग से आए विशाल भगवानों की उतरने की जगह है। इसके अंदर ड्राइंग भी थी जो मिस्टीरियस फ्लाइंग ऑब्जेक्ट को दिखाती है। एंशियंट हिंदू कथाओं में अनेकों ऐसे प्राणियों का जिक्र आता है जो बहुत विशाल हुआ करते थे। उन्होंने कई लड़ाइयों में भी भाग लिया जो जमीन के साथ साथ आकाश में भी लड़ी गई थी। वो आसमान से पृथ्वी पर आते थे, कभी इंसानों के साथ लड़ाई करते, कभी उनके खिलाफ। मगर इससे एक चीज समझ में आती है कि ये विशाल इंसान बाहर किसी दूसरे ग्रह से पृथ्वी पर आते थे जहाँ जीवन था। असलियत में वो एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ह्यूमन बींग थे। हम इसके बारे में कितने भी बातें कर ले, लेकिन ये फिक्स है कि फ्यूचर में ऐसे ही जायंट्स पृथ्वी पर आ सकते हैं। जैसे ही इंसान अंतरिक्ष में दूसरी जगह बसना शुरू करेगा, मतलब जहाँ लो ग्रेविटी होगी, वहाँ इंसानी शरीरों में अनेकों बदलाव होंगे। मंगल की ग्रेविटी पृथ्वी के मुकाबले 62% कम है। वक्त के साथ साथ जैसे जनरेशन बदलेंगी, वैसे मंगल ग्रह पर बसने वाले इंसानों की हाइट बढ़ने लगेंगी। सालों बाद वो वैसे दिखेंगे जैसे आज हम इतिहास में उनके बारे में पढ़ रहे हैं। इसमें हम इन दोनों सभ्यताओं के बीच वॉर का भी इंटरप्रिटेशन आराम से कर सकते हैं। क्या आप इस वॉर के लिए तैयार है? हे दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जायंट्स को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताना, और वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे ही कॉन्स्पिरेसी वीडियो हम लाते रहते हैं। मिलते अगली बार एक नए टॉपिक के साथ।